गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम यू ऑल इन दिस साइंस क्लास। आई एम कविता गुप्ता, योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 10, दैट इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ मोशन एंड मेजरमेंट। देन व्हाट इज अ मोशन? मोशन मीन्स होता है चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर जब चेंज होता रहता है ना, अभी वो कहाँ है, मीन्स अपनी पहले पोजीशन पर है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो वो अपनी पोजीशन पे ना होकर या तो थोड़ा आगे या उसके पीछे हो सकती है ना, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, मीन्स ये चल रहा है। ओके, स्टैटिक नहीं है, मीन्स एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, मोशन है। एंड मेजरमेंट, सो इन टुडेज क्लास We discuss about the measurement. Measurement के बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है? तो I would like to explain this term with some examples, ठीक है? कुछ examples मैं आपको बताती हूँ, उसके according हम समझेंगे कि measurement क्या है। So suppose when you stand with your class in the assembly, जब आप assembly में अपनी class के row बनाते हैं ना, क्लास वाइज, यूजली द क्लास लाइन इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। देखा है आपने, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ हम लोग खड़े होते हैं। द शॉर्टर वंस आर इन द फ्रंट एंड द टॉलर वंस एट द बैक। ओके, सो वॉट इज योर पोजिशन इन द क्लास लाइन? आर यू अमंग द टॉलर वंस और द शॉर्टर वंस? देखते हैं हम किस तरीके से अरेंज होते हैं। जो शॉर्ट हाइट होती है जिनकी, जो छोटे होते हैं हाइट में, वो आगे खड़े होते हैं, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, हाइट वाइज हम अपने पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। ओके, तो मींस ये कह रहे हैं कि आप कहाँ होते हो उस पोजीशन पे, आप मेजर करो कि आप शॉर्टर वंस या छोटे में आते हो या टॉलर्स में आते हो। ओके, सो व्हेन यू बाय अ न्यू स्कूल बैग, हाउ डू यू डिसाइड द साइज? जब आप एक नया स्कूल बैग लेने जाते हो तो साइज कैसे डिसाइड करते हो आप उसका? बाय एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स यू विल कैरी टू स्कूल एवरी डे। मीन्स जितनी बुक्स नोटबुक्स आपको डेली स्कूल लेकर जानी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो ना, कि अगर आप फर्स्ट क्लास में है तो उसके अकॉर्डिंग बैग आपका साइज छोटा होगा, क्योंकि बुक्स बहुत छोटी छोटी सॉरी पतली होती हैं, नोटबुक्स भी कम होती हैं। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते जाते हैं, आपका बैग का साइज भी बढ़ता जाता है नोटबुक्स और बुक्स के साइज के अकॉर्डिंग, है ना? And when your parents buy vegetables from the market, the vendor weighs it on a weighing scale to estimate how much money he should charge for them. Okay? Same case क्या होता है? Vegetables लेने हम जब market जाते हैं तो क्या होता है, जो vendor है means जो seller होता है ना, तो वो क्या करता है, according weight के according हमें चीज़ें देता है, हमें 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, है ना, या हाफ के जी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो वेट करके हमें वेजिटेबल या फ्रूट्स देता है। ओके, सो वी आर एस्टिमेटिंग थिंग्स ऑल द टाइम, तो पूरा टाइम हमें चीज़ों को एस्टिमेट करने के लिए चाहिए होता है। ओके, मीन्स हर चीज़ एवरीडे में, मीन्स हम जितना भी काम करते हैं उसमें हम क्या करना पड़ता है, हमें एस्टिमेशन हर चीज़ का लेना पड़ता है। मीन्स जो भी फूड हम खाते हैं तो भी हमें पता होता है ना कि कितना फूड हमें लेना है। पेरेंट्स जो होते हैं हमें कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग देते हैं कि भाई ये छोटा है ना, घर में जो छोटा है अगर उसको कम चीज़ दी जाती है, और अगर वो बड़ा है तो उसको थोड़ी ज़्यादा चीज़ दी जाएगी, या कोई भी फूड के बारे में अगर आप बात कर सकते हो, तो ये ही सब चीज़ें मीन्स क्या कहलाती है, हमारे एस्टिमेशन कहलाता है। मीन्स हमें इनका वो लेकर चलना पड़ता है कि कितना एस्टिमेशन होगा। ओके, सो इन द साइंटिफिक लैंग्वेज एस्टिमेशन इज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज में इस एस्टिमेशन को हम क्या बोल देते हैं, मेजरमेंट बोल देते हैं, ठीक है? मीन्स आप कहाँ जाते हो, अपने लिए कोई ड्रेस लेने जाते हो तो एस्टिमेट लगाते हो ना कि कितनी ड्रेस आपको फिट आ जाएगी, वेस्ट साइज कितना है, आपको कितना फिट होगा, लेंथ कितनी होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मेजरमेंट कहलाती है। सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट मैथड्स। मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मीन्स उसका वेट होता है, हाइट होती है, लेंथ होती है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अलग अलग मैथड से। सो टू मेजर लेंथ वी यूज अ स्केल टू मेजर हाउ हॉट अ
सब्सटेंस इज, वी यूज अ थर्मोमीटर एंड सो ऑन. ओके, मीन्स कि किसी भी चीज का हमें लेंथ अगर चेक करनी है तो हम स्केल का यूज करते हैं. और क्या चेक करना है, उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस चेक करनी है, कोई चीज़ कितनी गर्म है तो थर्मामीटर से हम उसको चेक करते हैं. वेट चेक करना होता है, ठीक है, हम बैलेंस से चेक करते हैं. तो मीन्स सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट जरूरी होता है. सो ओके, सो लेट अस लर्न वाई एंड हाउ टू मेजर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि किस तरीके से चीज़ों को मेजर किया जाता है, क्या क्या मेजरमेंट्स यूनिट्स होती हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम योर बुक. ओके, देयर वॉज अ जर्नल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूजोस क्लास अबाउट द प्लेसेज दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशंस. समर वैकेशंस में उन्होंने जो जो जगह विजिट की हैं उन सब के बारे में क्या कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं. समवन हैड गोन टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन देन अ बस एंड फाइनली अ बुलक कार्ट. ओके, मीन्स किसी ने जाने के लिए क्या किया, ट्रेन में बैठे, फिर उससे वहां नहीं गए, फिर उसके आगे क्या किया, बस ली, और बस के बाद भी उन्हें फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए क्या लेना पड़ा, एक बुलक कार्ट, बैलगाड़ी होती है ना जो. वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन. ओके, पर दूसरे स्टूडेंट ने क्या यूज किया, एक एरोप्लेन यूज किया ट्रेवल करने के लिए. सो अनादर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट. और किसी ने क्या यूज किया, अपने अंकल्स की बोट में. ठीक है, तीनों ट्रांसपोर्ट के मीन्स आ गए इसमें, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, है ना. सो द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, मीन्स ऐसे जो स्मॉल व्हीकल्स जो कहाँ यूज किए जाते हैं, ऊपर मार्स पर जाने के लिए, मून पर जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां जब वो लैंड करते हैं तो छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं जिसमें वो लैंड करते हैं, है ना, तो वो अलग तरीके होते हैं. दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय सुपरक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स, स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. ठीक है, स्पेसक्राफ्ट के अंदर उनको ले जाया जाता है और वहां जाकर फिर उनका यूज किया जाता है. मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. Okay, पहली मीन्स रीडिंग कर रही थी स्टोरीज की. ancient मीन्स हमारा जो पुराना इंडिया था, पहले के टाइम में जो लोग किस तरीके से ट्रेवल करते थे, मीन्स पहले ना तो व्हील्स का इन्वेंशन हुआ था, उससे पहले लोग किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कैसे गुड्स को कैरी करते थे, सामान को कैसे ले जाया जाता था, तो इन सब चीजों के बारे में वो पढ़ रही थी. ओके, सो हम भी पढ़ते हैं, देखिए क्या है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट के अंदर डेवलपमेंट हुआ. लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले बहुत ज्यादा क्या नहीं थे, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स इधर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स. बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ठीक है, और क्या करते थे, अपने फुट में पैदल ही चलकर जाते थे, और अगर सामान को ले जाना होता था तो कैसे लेके जाते थे, या तो अपने बैग पर रख कर ले जाते थे या एनिमल्स का यूज करते थे. फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. ठीक है, मीन्स जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था, तो और उसके लिए क्या यूज की जाती थी, बोट्स यूज की जाती थी. टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड. ठीक है, पहले के टाइम में जो बोट्स होती थी वो कैसी होती थी, अभी जैसी नहीं होती थी. क्या होता था, सिंपल एक लॉग होता था, मीन्स लकड़ी का एक बहुत बड़ा एक लॉग होता था, ठीक है, और उसके बीच में क्या कर दी जाती थी, कैविटी कर दी जाती थी, जिसमें इजीली या तो हम बैठ सके अपने सामान को रख सके, तो वो ही क्या होता था, उनकी बोट कहलाती थी और वो ही उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करती थी. बट जैसे जैसे लोगों ने क्या सीखा, लेटर पीपल लर्न टू पुट टूगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ फूड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स. ठीक है, धीरे धीरे जब उन्होंने और नॉलेज हुई, उन्हें और उन्होंने सीखा चीजों के बारे में, तो वो बुट को आपस में ज्वाइंट करके क्या बोट की शेप उसको देने लग गए. सो दीज शेप्स इमिटेट द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वॉटर. ठीक है, मीन्स धीरे धीरे वो जो बोट्स होती थी उन्होंने किसकी शेप ले ली, एनिमल्स की शेप में वो उसको बनाने लगे. कौन से एनिमल्स, जो वाटर के अंदर रहते थे.
आपने देखा है ना वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, वाटर में स्विम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो उन्हें ऐसी चीज की जरूरत पड़ी, ऐसी बोट्स की जरूरत पड़ी, उनका डिजाइन ऐसा हो कि वो भी वाटर में इजीली मूव कर सके, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वो डिस्टेंस कवर्स कर सके। तो उसके लिए उसकी जो शेप होती थी बोट्स की, वो कैसी बनाई उन्होंने, एनिमल्स के जैसे, वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उसकी जैसे। रिकॉल आर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। जिस तरीके से हमने पढ़ा था 8 और 9 चैप्टर्स में, जो फिशेज हैं उनकी जो बॉडी होती है, शेप वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है ना, तो उसी तरह की क्या बनती थी, बोट्स बनाई जाती थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जैसे जैसे व्हील्स का आविष्कार हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन का भी मोड चेंज होता गया। द डिजाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मीन्स काफी टाइम लग गया। जिस तरह की व्हील हम आजकल देखते हैं, इनको बनने में हजारों साल लग गए। पहले व्हील्स इतने ज्यादा डिजाइंड और इतने इफेक्टिव नहीं होते थे, ठीक है, छोटा सा जो लकड़ी का, मतलब जैसे वुड ही होती थी पहले, है ना, वुड को गोल काट कर इस तरीके से व्हील्स बना लिए जाते थे, ठीक है, तो जिससे इजीली वो किसी भी चीज के अंदर उनको लगा के मूव कर सके। और क्या यूज किया जाते थे, एनिमल्स यूज किए जाते थे, एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स, ठीक है, जो व्हीकल्स जो होते थे व्हील्स पर चलते थे और उनके आगे एनिमल्स लगा दिए जाते थे, वो उसको ड्रैग करके पुल करके आगे लेके जाते थे, जैसे बुलेट कार्ट होती है ना, हॉर्स होते थे, हॉर्स कार्ट होती है, तो इसी तरीके से ये चीजें होती थी। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, मीन्स 19th सेंचुरी तक जो पीपल थे वो अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस पे डिपेंड थे, एनिमल्स पर ही डिपेंड थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। धीरे धीरे फिर किसका हुआ, इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का। ओके, जो पहले आपने देखा होगा जो ट्रेन होती थी उनके अंदर भी क्या होते थे, स्टीम इंजन लगे हुए होते थे। आजकल तो बहुत फास्टेस्ट ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड होती है ना, तो पहले लेकिन क्या होता था, स्टीम इंजन होते थे, भाप के इंजन, ठीक है, तो उनसे क्या चले जाते थे, व्हीकल्स चलाए जाते थे। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरिजेस एंड वैगन, ठीक है, मीन्स उनको खींचने के लिए क्या लगाया जाता था, ट्रेन के अंदर स्टीम इंजन लगाए जाते थे। ओके, दिख रहे हैं आपको ये सारे जो भी इसमें आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये सारे किस तरह की पिक्चर्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रेन हैं ये, बस, बुलक कार्स, शिप्स, एरोप्लेन, साइकिल, ये सारे क्या हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद क्या है, ऑटोमोबाइल्स मीन्स जो अपने आप ही चलने लगे, ठीक है। स्टीम इंजन के लिए क्या होता था, मीन्स एक ड्राइवर उसके अंदर होता था, वो उसको चलाता था, है ना, उस और किसकी जरूरत पड़ती थी उसमें, कोयले की, कोयले का जो कोल होता है ना उसको डालते थे, उसकी स्टीम बनती थी और उससे फिर वो सब चीजें चलाई जाती थी। बट बाद में क्या हुआ, सब ऑटोमोबाइल्स हो गए, ठीक है, डीजल पेट्रोल आपने डाला और वो अपने आप चीजें चलने लग जाती है। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, ठीक है, और बाद में क्या बनी, बोट्स और शिप्स भी ऐसी बनी जिनके अंदर मोटर्स लगी हुई होती थी और वो वाटर में इजीली मूव कर सकती थी। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, ठीक है, मीन्स 1900 मीन्स 19 जो सेंचुरी थी उसमें किस चीज का डेवलपमेंट हुआ, एरोप्लेन्स का। दीज वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, ठीक है, पहले बहुत छोटे बनाए गए थे, मीन्स इसमें बहुत ज्यादा सीट्स नहीं होती थी, एक या दो लोग बैठकर बस मूव कर सकते थे, बट बाद में जो क्या है उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया गया और पैसेंजर्स को, और गुड्स मीन्स होता है लगेज सामान, उसको ले जाने के लिए उनको इम्प्रूव किया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड सुपर स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, बट धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ह्यूमंस का भी डेवलपमेंट होता गया, प्लस आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए, जिसके आजकल तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती हैं, मोनोरेल्स होती हैं, स्पेस क्राफ्ट, सुपरसोनिक, आजकल तो हम कहाँ पहुंच गए, पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, लोग इजीली नहीं पहुंच पाते थे, रोड्स
रोड्स भी इतनी प्रॉपर नहीं होती थी, है ना, क्योंकि व्हीकल्स को चलने के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए। अगर आप पैदल हो तो आप कहीं भी कच्चे रास्ते से भी निकल कर जा सकते हैं, बट अगर प्रॉपर रोड नहीं होगी तो आप व्हीकल चलाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो धीरे धीरे रोड्स इंप्रूव हुई, फिर अब व्हीकल्स भी इंप्रूव होते गए, ठीक है। बट अब हम आजकल क्या देखते हैं, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, एक सिटी से दूसरे ही नहीं, हम लोग चांद पर भी पहुँच चुके हैं अभी तो, है ना। वहाँ तक जाने के लिए हम लोगों ने व्हीकल्स बना लिए हैं, ओके। तो अब कितना सारा चेंज आ गया है। तो फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर। ये बहुत सारे आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, मीन्स अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट, मीन्स पहले के टाइम में जो चलते थे वहां से लेकर अभी जो चलते हैं आजकल, उसमें आपको उनको सीक्वेंस में लगाना है। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टूडे, मीन्स आपको ऐसा लगता है इसमें से कोई ऐसा है जो अभी आजकल यूज नहीं हो रहा है? आई थिंक नो, है ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो आजकल यूज नहीं है। बुलेट कार्ड जो होती हैं वो भी गाँवों में तो आजकल चलाई जाती हैं, उनमें ही सामान लेके आया भी जाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उसको यूज में लिया जाता है, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट इज हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि किस तरीके से हम, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे लेंथ, ओके, कि लेंथ को किस तरीके से मेजर किया जाता है। दिख रहे हैं ना इसमें, हाउ वाइड इज दिस डेस्क, डेस्क दिख रही है आपको इसमें पिक्चर्स में यहाँ पर, ये तो ये डेस्क कितनी बड़ी है, इसको मेजर किस तरीके से करेंगे, और ठीक है ट्रेवल जो हम करते हैं उसको किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से मेजर करते हैं डिस्टेंस को, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ओके। तो अभी मैं बस आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, अभी इस चैप्टर की स्टार्टिंग है तो इतना आप थोड़ा सा पढ़कर देखिए, ओके। तो सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, ओके। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।